बिलासपुर के कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने पर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल का जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया, वहीं पर सुरेश चंदेल ने कहा कि कुछ समय से भाजपा में संवाद और संभाल की कमी देखने को मिली और भाजपा के अंदर कुछ लोग उन्हें जबरी रिटायर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी प्रदेश की सेवा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जब भाजपा में रास्ते बंद होते नजर आए तब उन्होंने और रास्ते तलाशने की कोशिश की। सुरेश चंदेल ने कहा कि कांग्रेस से उनकी बातचीत हुई और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर आप देश की प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए द्वार खुले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की पुरानी पार्टी है, देश के लिए बलिदान का इतिहास रहा है और इस पार्टी से जुड़कर वे अपना करियर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सुरेश चंदेल ने अनुराग ठाकुर पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर जनसंपर्क में पिछड़े हैं, लोगों से उनका संपर्क कम रहा है, ज्यादातर वे बाहरी दौरों पर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी हमीरपुर क्षेत्र से जीत दर्ज करेगी और जीत का परचम लहराएगी। सोलन में चल रही दो पार्किंग ठेकेदारों को ज्यादा वसूली करने पर उपभोक्ता न्यायालय से आर्थिक दंड दिया गया है। ये आर्थिक दंड उपभोक्ता न्यायालय से इसलिए दिया गया क्योंकि नगर परिषद के पार्किंग में वाहन चालकों से अवैध रूप से मनमाना शुल्क लिया जा रहा था। हैरानी वाली बात ये है कि इस बात की खबर जिला प्रशासन समेत नगर परिषद को भी थी, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद ने उपभोक्ता की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और यही वजह रही कि शिकायतकर्ता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। जहां से ठेकेदार पर न केवल आर्थिक दंड की सजा हुई बल्कि सख्त हिदायत भी न्यायालय की ओर से दी गई है कि भविष्य में अगर फिर से अवैध वसूली हुई तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उससे कई बार नगर परिषद की पार्किंग्स में अवैध रूप से ज्यादा फीस काटी गई, जिसकी उसके द्वारा नगर परिषद उपायुक्त सोलन के साथ साथ पुलिस को भी इस बारे में शिकायत की गई है, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, तो मजबूरन उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जहां से दो ठेकेदारों पर माननीय न्यायालय ने कार्रवाई अमल में लाई और 15,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया। उन्होंने नगर परिषद से आग्रह किया है कि वे केवल ठेकेदारों को पार्किंग देकर इतिश्री ना करें, बल्कि उनका ये भी कर्तव्य है कि वे ठेकेदार का समय समय पर निरीक्षण भी करें और अगर कोई उनके पास शिकायत आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाएं।